दोस्तों, ये है कॉक्स बाजार सी बीच, जो कि है बांग्लादेश में। आदिनाथ मंदिर, जो कि भगवान भोले शंकर महेश्वर के नाम से जाना जाता है। कई हजारों साल पुराना ये जागृत मंदिर बांग्लादेश में है। हाँ जी, हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। ये मंदिर बांग्लादेश के महेशखाली जिले में पड़ता है, वो हम आज आपको दिखाएंगे। दोस्तों, ध्यानपूर्वक मेरा ये वीडियो देखते रहिए। और दोस्तों, मेरे इस चैनल में अगर आप नए हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। इस बहुप्राचीन मंदिर और यहाँ के टूरिस्ट स्पॉट देखने के लिए हर संप्रदाय के लोग आते हैं। समुंदरी इलाका और नदियों का देश है बांग्लादेश। हर साल यहाँ आंधी तूफान में जूझना पड़ता है यहाँ के लोग, लेकिन तभी भी यहाँ के लोग बहुत और खुश और शांति से रहते हैं। बांग्लादेश के महेशखाली जिले में आप कैसे जाइएगा, वो हम आपको बताते हैं। पहले आप बांग्लादेश के ढाका राजधानी से आप बस में या फ्लाइट में आप कॉक्स बाजार में आइए। कॉक्स बाजार से होते हुए नदी माहे आपको जाना पड़ेगा महेशखाली जिले में। बस यहाँ एक दिन का ही सफ़र है और फिर शाम को लौट जाइए आप कॉक्स बाजार में। और एक दिन का ही सफ़र है महेशखाली में। महेशखाली में आप देख पाएंगे बौद्ध स्तूप, आदिनाथ मंदिर और चारों ओर समुंदर ही समुंदर, एक अलग सा ही नज़ारा। दोस्तों, जो लोग सुंदरबन के बारे में सिर्फ किताब में पढ़ा है, वो लोग सुंदरबन का मज़ा आप ले सकते हैं मेरे इस वीडियो के ज़रिए। ये देखिए, चारों ओर वन ही वन हैं और देखिए पानी ही पानी। यहाँ बाघ रहते हैं, बड़े बड़े रॉयल बंगाल टाइगर जिसको कहते हैं, वही रहते हैं, और पानी में मगरमच्छ। ये बे ऑफ बंगाल में पूरा इलाका मैनग्रोव इलाका है और यही होते हैं सुंदरी गड़ान। महेशखाली उतरने के बाद ही आपको मिलेगा यहाँ का मीठा पान। यहाँ का मीठा पान और आग वाला पान यहाँ सबसे बेहतर होता है, और यहाँ मीठा पान का खेती भी बहुत है, इसीलिए इस जगह मीठा पान के लिए फेमस है। और यहाँ सूखा मछली का व्यापार भी बड़ा ही शानदार है। ये मछली सारे नदी से और समुंदर से उठा के यहाँ सुखाया जाता है और सुखा के पूरे देश में सेलिंग किया जाता है। देखिए दोस्तों, कितने किस्म की मछली है यहाँ पर। ये सब मछली नदी से समुंदर से उठा के ये सब तरह तरह की मछलियाँ, उसको काट के उसके पेट से जितना मैल अतड़ी ये सब निकाल के इसमें नमक हल्दी मिला के सुखाया जाता है, और इसे कड़ी धूप में सुखाने के बाद सेलिंग के लिए भेजा जाता है। लीजिए दोस्तों, अभी हम महेशखाली टूरिस्ट स्पॉट में आ गए हैं। यहाँ देखिए चारों ओर शांत है, सिर्फ टूरिस्ट ही टूरिस्ट है, और देखिए पीछे में समुंदर है, विशाल समुंदर, और देखिए छोटा सा टापू जैसा है, वहीं पर ही है बौद्ध मंदिर, बहुप्राचीन बौद्ध मंदिर, और है आदिनाथ मंदिर, वो सब भी हम दिखाएंगे धीरे धीरे। दोस्तों, प्लीज़ मेरा वीडियो देखते रहिए।
ये देखिए हम किनारे पे आ गए हैं। देखिए दूर में समुंदर दिखाई दे रहा है, कितना अच्छा लग रहा है समुंदर देखते हुए टापू से। छोटा छोटा पहाड़ है बहुत यहाँ पे। ये देखिए हम जूम करके थोड़ा सा दिखा रहे हैं। ये देखिए हम अभी बौद्ध स्तूप के पास जा रहे हैं। वो देखिए दूर पे बौद्ध स्तूप दिखाई दे रहा है, और देखिए मिट्टी का पतला सा रास्ता है, वहीं पे हम लोग डर डर के जा रहे हैं, नहीं तो कभी भी हम लोग गिर भी सकते हैं। अभी हम आ गए हैं बौद्ध स्तूप पे। ये देखिए बहु प्राचीन ये बौद्ध स्तूप है। ये देखिए यहाँ पे भी आप घूम सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। बौद्ध स्तूप देखने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं आदिनाथ मंदिर। पहाड़ के ऊपर बहुत चढ़ाई चढ़ के सीढ़ी चढ़ के हम लोग को जाना पड़ रहा है, और देखिए चारों ओर शांति शांत है, पूरा वन ही वन है। श्री श्री आदिनाथ मंदिर है ये। मंदिर के अंदर फ़ोटो खींचना मना है, इसीलिए हम आपके मंदिर के अंदर का फ़ोटो नहीं दिखा पा रहे, मंदिर के चारों ओर हम दिखा रहे हैं। ये बहुत ही जागृत मंदिर है, भगवान भोले शंकर जी के मंदिर है। यहाँ हर जाति के लोग, टूरिस्ट लोग यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए, और यहाँ चारों ओर व्यू का मज़ा लेने के लिए, क्योंकि यहाँ चारों ओर समुंदर ही समुंदर है। कई हजारों साल पुराना ये आदिनाथ मंदिर जो कि अब बांग्लादेश में है, और बांग्लादेश आने के लिए आप लोगों को वीसा पासपोर्ट तो लग ही जाएगा। आप लोग भले ही बांग्लादेश घूमने नहीं आए, लेकिन मेरा ये वीडियो देख के आप लोगों को मन खुश हो जाएगा, इसीलिए मेरा ये वीडियो ध्यानपूर्वक आप लोग देखिए और इसका मजा लीजिए। ये मंदिर बड़ा ही खास मंदिर है। इस मंदिर के बारे में रामायण महाभारत और पुराण में भी वर्णित है। दोस्तों हमारा आदिनाथ मंदिर दर्शन पूरा हो गया है, और हम लोग फिर जाएंगे अभी महेशखाली घाट में। ये देखिए महेशखाली घाट में स्पीड बोट है, नाव है, आप किसी भी साधन में आप जा सकते हैं कॉक्स बाजार। दोस्तों हमारा ये आज का सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं। हम अगले टूर में आपको दिखाएंगे कॉक्स बाजार सी बीच, एक सुंदर सा वर्ल्ड फेमस ये सी बीच है जो कि है बांग्लादेश में, वो हम दिखाएंगे, और कॉक्स बाजार का पूरा नज़ारा हम आपको पूरा मस्ती दिखाएंगे। ओके, तब तक के लिए मेरे इस वीडियो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। हम अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कॉक्स बाजार।